हार्दिक पांड्या नहीं रोहित शर्मा फिर बने मुंबई के कप्तान। आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा बयान। सिर्फ अफगानिस्तान दौरे से नहीं पूरी आईपीएल से बाहर हुए हार्दिक पांड्या। इसी के साथ मुंबई इंडियंस को लगे इस आईपीएल से पहले दो बड़े झटके। मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज खिलाड़ी हुए आईपीएल 2024 से बाहर। तीन दिन पहले की अपडेट में सिर्फ ये बताया गया था कि हार्दिक पांडे अफगानिस्तान दौरे से बाहर हुए हैं, लेकिन वो तो पूरे आईपीएल से हो चुके हैं बाहर। हमारे दर्शकों को बता दूं कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो फॉलो थ्रू में गेंद को छेड़ते वक्त उनके पैर में चोट आई थी। तब से हार्दिक पांड्या टीम से लगातार बाहर चल रहे और अब हार्दिक पांड्या अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है और आईपीएल पूरी तरह से मिस करने वाले हैं। तो मुंबई के लिए एक और बुरी खबर ये है कि उनके सबसे अहम खिलाड़ी आईपीएल के सूर्य कुमार यादव भी अब आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 सीरीज में जहाँ पर वो कप्तानी कर रहे थे उसी सीरीज में उनको फील्डिंग के दौरान चोट आई और सूर्य कुमार यादव भी अब आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में अब मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से रोहित शर्मा की ओर रुख करना होगा, लेकिन रोहित शर्मा को पहले तो मनाना होगा क्योंकि जब हार्दिक को जीटी से बुलाकर एमआई के कप्तान बना गया तो रोहित शर्मा काफी ज्यादा नाराज थे। लेकिन रोहित शर्मा मान जाएंगे ऐसा हमें लगता है और यही क्रिकेट फैंस भी चाहते कि रोहित शर्मा एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की कमान संभाले, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। तो एक बार फिर से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाए ये क्रिकेट फैंस की मांग है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है और मुंबई के फैन हो तो मुंबई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।